आमचो चीफ मिनिस्टर गोयचो तो पयर न्ही कोणाक तरी हिंदीन सांगतालो, म्हणजे रिपोर्टरांक सांगतालो तो हम जो बोलते हैं वो हम करके देते हैं, करते हैं म्हणटा. मुझे एक आपको पूछना है, हमारे गोवा के चीफ मिनिस्टर जी प्रमोद सावंत, आपको मुझे पूछना है. आप तो जो बोलते हैं वो करते हैं, बात अच्छी है, लेकिन आपने जिला पंचायत इलेक्शन के लिए पूरे गोवा में 10,000 जॉब का नौकरी के बारे में आपने बताया था, क्या आपने वो दिया? नहीं दिया. कोरोना के टाइम पे बहुत से हॉस्पिटल में सिस्टर लोग नहीं होने के वजह से जो सिस्टर लोग पढ़े लिखे हैं उनको आपने इमरजेंसी बुला के बता दिया कि आप लोग ज्वाइंट हो जाओ क्योंकि हॉस्पिटल में इमरजेंसी है और आपको हम लोग फिक्स करेंगे बोल. इवन आपने उनको बोला तो बोला, पेपर में भी डिक्लेयर किया था आपने, आपने और आपके हेल्थ मिनिस्टर ने, वो आपने आपने किया? नहीं किया. रास्ता आपने दिखा, पूरा रास्ता खड्डे पे खड्डा, खड्डे पे गड्ढा, गड्ढे में गड्ढा, ऐसा हो गया. आपने 5 साल कुछ किया? अरे आप, मुझे ऐसा लगता है रावण के खानदान के वो कुंभकर्ण के भाई वो, क्योंकि आपको ना कुछ काम करना नहीं आता है, आश्वासन देना आता है. कुंभकर्ण कैसा 6 महीना सोता है, उसी तरह आपकी पूरी मिनिस्ट्री पूरे 5 साल सो गई. अभी 4 महीने के लिए इलेक्शन आ गया है, इसके लिए आप जाग गए हैं. दूसरी और भी है बात कि इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट म्यूनिसपालिटी में बहुत से पीडब्ल्यूडी में बहुत से डिपार्टमेंट में आप लोगों ने इमरजेंसी इलेक्शन के लिए बहुत से लोगों को लिया था, क्या आप लोगों ने उनको फिक्स किया? नहीं किया. आप महिलाओं को गृह आधार देते, ओल्ड एज वाले को पेंशन देते, क्या आप वो टाइम पे देते? अभी 6 महीना हो गया, अभी तक किसी को नहीं मिला है. पूरा पूरा घर पिछले दिनों में बारिश हुई थी, पूरा घर डेमोलिश हुआ लोगों का. आपने उनको कहा पैसे देते हैं, 2-2 लाख देते, क्या आपने उनको पैसे दिया? नहीं दिया. फिर आपने कोरोना में जो मरे हैं उनको आपने डिक्लेयर किया पहले 4 लाख, उसके बाद आपने बोला 2 लाख दूंगा, क्या आपने वो दिए? नहीं दिए. तो आप जो बोलते हैं वो करते हैं, किस मकसद से आप बोलते हैं कि आपने जो बोला वो कर दिया? अरे भैया प्रमोद जी, आप कुछ भी नहीं करते है. अब दशहरा आ गया है, रावण को मारने का टाइम आया. लोगों मैं आपको यही बताती हूँ कि ये सरकार को अब चुटकी में सबको भगाना बहुत जरूरी है. आपका ये जो टारगेट सब कुछ है सिर्फ इलेक्शन के लिए है, आप ये इलेक्शन के लिए ये सब कुछ ऐसा बताते हैं लोगों को, फिर लोग भूल जाते हैं, आपको वोट डालेंगे, फिर आप राजा बनेंगे, फिर लोगों को कचरे के जैसा आप उनके साथ व्यवहार करेंगे. प्रमोद जी, आप चीफ मिनिस्टर है, वादा करते एक है, दूसरे दिन दूसरा ही बोलते हैं आप, होता नहीं आपसे. आप ये काम करिए, कुर्सी छोड़िए, इलेक्शन भी छोड़िए, और आपका जो पहले से डॉक्टर का काम था ना वही आप करिए. देखिए इन्होंने कितना 10 साल में किस तरह से लोगों को सताया है. इन सबको घर भेजना आपके लिए बहुत ही बड़ा कार्य होगा. जय हिंद.